हेलो एवरीवन, आज मैं आपको जीप कंपास के स्पोर्ट्स मॉडल की जो स्टार्टिंग वेरिएंट आता है स्पोर्ट्स, उसके सभी स्पेसिफिकेशंस, उसके फीचर्स एंड उसके बेनिफिट्स, सभी चीज़ें मैं आपको आज एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट, इसमें आपको जो चेंज मिलता है, इसमें आपको जो की मिलती है, ये आप देख रहे हैं, इसमें आपको जो की मिलती है वो बाकी सारे वेरियंट्स में की लेस आता है। इसमें आपको की से एंट्री मिल जाती है, ठीक है। इसमें लॉक एंड अनलॉक के लिए स्विच दिया हुआ है, लॉक एंड अनलॉक के लिए दो बटन्स दिए हुए हैं। बाकी गाड़ी की तरफ हम बढ़ते हैं, तो फर्स्ट जो आपको इसमें फ्रंट में जो चीज़ें आती हैं, सेवन स्लॉट ग्रिल आपको सेम बाकी सभी वेरिएंट्स की तरह एज इट इज़ मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी सेम है, पूरा एक्सटीरियर लगभग सेम है, आपको 50 प्लस सेफ्टी फीचर्स इसमें सभी सेम मिल जाते हैं। जो और कंपनीज़ हैं उनमें आप बेस वेरिएंट एंड टॉप वेरिएंट्स में जो सेफ्टी फीचर्स हैं उनमें भी डिफरेंस मिलता है, बट इसमें आपको सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलता। जो भी इसमें आपको डिफरेंसेस मिलेंगे वो सिर्फ कॉस्मेटिक डिफरेंसेस मिलेंगे। फ्रंट से आप देख रहे हैं पूरा गाड़ी में इंजन, पावर, सेफ्टी फीचर्स, डायमेंशंस, ये सभी सेम रहते हैं। इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, सेवन स्लॉट ग्रिल मिल जाता है, डीआरएल्स मिल जाते हैं, फॉग लैम्प्स इसमें आपको नहीं मिलते हैं। इसके अलावा इसमें हम सेकंड चेंज देखते हैं, तो इसमें आपको 16 इंच सेमी अलॉय मिल जाता है, अलॉय के डिज़ाइन का जो रिम है ये मिल जाता है, जिसमें आपको उसमें आपको व्हील कैप वाला जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता। इसमें आपको एक अलॉय के डिज़ाइन में ही रिम मिल जाता है, 16 इंच आपको इसके व्हील्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं, तो आपको सेम ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है इसमें भी, क्योंकि इसका 16 इंच है, बट आप जो टायर का विड्थ से देख रहे हैं ये आपको 17 इंच अलॉय से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, इसलिए आपको ग्राउंड क्लियरेंस सेम रहता है इसमें भी। इसके अलावा रियर में हम जाते हैं, एक्सटीरियर में, तो आपको जो एलईडी है, ये जो एलईडी आप देख रहे हैं ये बाकी सारे वेरिएंट्स में, अपर वेरिएंट्स में जाते हैं तो फुल एलईडी मिल जाती है, इसमें आपको हाफ एलईडी मिल जाता है, ठीक है। ये स्पोर्ट्स, आपको स्पोर्ट्स की बैजिंग मिल जाएगी। रियर में आपको कैमरा सेंसर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन वो आप इजीली इंस्टॉल करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इन्फोटेनमेंट दिया हुआ है वो टच स्क्रीन है 5 इंच, उसी पे आप वो कैमरा इंस्टॉल करवा सकते हैं, वो आपको डायरेक्शंस के साथ सभी चीज़ें दिखा देगा। इसमें सेम आपको डीएलओ मिल जाता है, जो ये आप देख रहे हैं क्रोम फिनिश, ये पूरा डीएलओ आपको 270 डिग्री आपकी गाड़ी को कवर करता है। ये आपको सेम अलग सभी वेरिएंट्स की तरह इसमें कंप्लीट डीएलओ मिल जाता है, जो क्रोम फिनिश है, ठीक है। एक्सटीरियर में जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए हैं, अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर पर। फर्स्ट इसे अनलॉक कर लेते हैं। इसमें जो इंटीरियर है वो आपको कंप्लीट ब्लैक मिलता है, कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर मिल जाता है आपको। ये आपको लेदर फिनिश आपके हैंडरेस्ट मिल जाते हैं, सॉफ्ट टच आपको डोर्स पैनल मिल जाते हैं, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड मिल जाता है। इसके अलावा इसमें जो मिरर्स हैं ये आपके अंदर से ही एडजस्टेबल हैं, बस इन्हें आप जो ऑफ करने के लिए जो स्विच आता है वो आपको अपर वेरिएंट्स में मिलता है। सारे पावर विंडोज आपको वन टच डाउन मिल जाते हैं, फ्रंट दोनों पावर विंडोज आपको वन टच अप मिल जाते हैं, साथ ही एंटी पिंच भी मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक के लिए स्विचेस इसमें भी मिल जाते हैं, लाइट के लिए यहाँ पे स्विचेस मिल जाते हैं, पूरा इंटीरियर कंप्लीट ब्लैक आ जाता है आपका। जो सीट्स हैं वो फैब्रिक की मिल जाती हैं और पूरा इंटीरियर आपका कंप्लीटली ब्लैक कलर में आ जाता है, ठीक है। आइए गाड़ी के अंदर बैठते हैं, अंदर की सभी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। ये आपका यहाँ से इसमें आपको की स्टार्ट गाड़ी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टीयरिंग पे जो भी आपके कंट्रोल्स हैं वो सभी एज इट इज़ अदर वेरिएंट्स की तरह मिल जाते हैं। रियर में आपको स्टीयरिंग के पीछे आपके म्यूजिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं दोनों साइड। अंदर से मैंने जैसे आपको बताया एसी इसका मैनुअल आ जाता है, बाकी सब में आपको ऑटोमेटिक एसी विद ड्यूल जोन मिलता है। इसमें आपको मैनुअल एसी मिलता है, एसी उतना ही पावरफुल आएगा बट इसमें मैनुअल एसी आ जाएगा। आपका जो इन्फोटेनमेंट स्क्रीन है वो टच आ जाएगी आपकी, जिसमें आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कंपास दिया हुआ है, नॉर्मल सेटिंग्स दी हुई हैं, एफएम, ये सभी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। ये आपको 5 इंच टच स्क्रीन आ जाता है, इसी में आप कैमरा इंस्टॉल करवा के यूज़ कर सकते हैं, इसी में आपका कैमरा भी डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, आपका चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक, 4-चैनल ABS, रोल ओवर मिटिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सभी चीज़ें इसमें आपको एज इट इज़ सेम मिलेंगी। जो भी 50 प्लस सेफ्टी फीचर्स हैं जीप के वो सभी आपको स्पोर्ट्स में भी मिलेंगे। अदर कंपनीज़ में आपको वेरिएंट वाइज सेफ्टी फीचर्स भी वेरी करते हैं। इसमें जीप की जो मेन चीज़ें हैं वो आपको पावरफुल इंजन, इसमें सेम आपको 2.0 लीटर इंजन मिल जाएगा जो 173 PS पावर जनरेट करेगा, 350 न्यूमेरिक टॉर्क मिल जाएगा। इसके अलावा 50 प्लस सेफ्टी फीचर्स हैं वो सभी आपको सेम मिलेंगे। फ्रंट में दोनों आपको एयरबैग मिल जाते हैं, इसमें सॉफ्ट टच आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। सीट्स आपकी बकेट सीट्स आएंगी सेम कंफर्टेबल, सिर्फ आपको अपर वेरिएंट्स में लेदर सीट्स मिल जाती हैं, इसमें आपको फैब्रिक सीट्स मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपका ग्लो बॉक्स आ जाएगा, ये सभी चीज़ें आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट में
मिलती हैं। इसमें भी आपको रियर एसी वेंट मिल जाएगा, जो आप देख रहे हैं रियर में एसी वेंट मिल जाएगा। साथ ही ये जो बॉक्स है आपका कूल बॉक्स, ये भी इसमें भी मिल जाएगा आपको। इसमें म्यूज़िक सिस्टम जो है वो सेम यू कनेक्ट का म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा, बट इसमें आपको स्पीकर्स 4 मिलेंगे। अदर वेरिएंट में आपको 6 कंपोनेंट स्पीकर्स मिलते हैं, इसमें 4 स्पीकर्स मिलते हैं। म्यूज़िक क्वालिटी इसकी फिर भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको इसमें 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं। बेसिकली ये चीज़ें हैं जो आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट में ऑफर होती हैं। गाड़ी आपको चलाने में सेम फील होगी, बिल्कुल सेम इंजन है, सेम कंफर्ट है, सभी चीज़ें। सिर्फ जो डिफरेंसेस है वो आपको कॉस्मेटिक डिफरेंसेस ही इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। स्पोर्ट्स वेरिएंट भी आपको क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटेड ही मिलेगा। 60 लीटर का आपका फ्यूल टैंक है, ये सभी चीज़ें कॉमन है सभी वेरिएंट्स में। तो इस तरह से आपका स्पोर्ट्स वेरिएंट है वो एक पूरी तरह वैल्यू फॉर मनी गाड़ी आपको मिल जाती है। ये आपको इसका एक शोरूम है, ये आपका आ जाता है 17 लाख के अप्रॉक्स आपको इसका एक शोरूम मिल जाता है। इसके अलावा अदर जो कंपनीज हैं जो इस सेगमेंट में गाड़ियां बना रही हैं, इस प्राइस रेंज में भी जो गाड़ियां हैं उससे बेटर आप कंपास एक आपको 18 से 19 लाख रुपए में डीजल गाड़ी मिल जाती है, जो फुली लोडेड आपको मिल जाती है। सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, चलाने में आपको सेम फील होगी, सभी चीज़ें आपको सेफ्टी वाइज कंप्लीटली मिल जाती हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको सेफ्टी में नहीं करना पड़ता। जो मैंने आपको बताया था चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप स्पोर्ट्स वेरिएंट पे जा सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ अगर आप चाहें तो एक अलॉय व्हील एंड आपका एक कैमरा, जो वो कैमरा आपका यहीं पे आपका फिट हो जाएगा इजीली, और वो आपका इसी स्क्रीन पे चलेगा। जीप का जेन्युइन कैमरा भी आपको इसमें फिट इजीली हो जाता है। सस्पेंशन, एक मैं सस्पेंशन के बारे में इसमें ज़रूर बताना चाहूँगा। इसका जो सस्पेंशन है वो FSD सस्पेंशन आता है, फ्रिक्वेंटली सेलेक्टिव डैम्पिंग सस्पेंशन, जो कंपास के सभी वेरिएंट्स में आता है। ये आपका रोड के अकॉर्डिंग काम करता है, रफ रोड्स पे सॉफ्ट काम करता है एंड हाईवेज पे स्टेबिलिटी के लिए हार्ड। एंड आपका इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आता है। सेम यही गाड़ी मैंने अपने लास्ट वीडियो में यूज़ की थी, जो मैंने इन स्टेयर से आपको उतार के भी दिखाई थी, ठीक है। सेम यही व्हीकल था वो, आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इसकी सस्पेंशन की क्वालिटी भी उसी वीडियो को देख के मेज़र कर सकते हैं कि इसका सस्पेंशन कितना ज़बरदस्त मिल जाता है, ठीक है। सो ये था स्पोर्ट्स वेरिएंट आपका। तो ये आप पूरी तरह से वैल्यू फॉर मनी है, आप इस पर भी जा सकते हैं, इसमें आपको सभी चीज़ें ऑफर होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।